हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए अशोक लेलैंड के शेयर में जबरदस्त, मैं कहूंगा एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है। आज की डेट में मार्केट में हाहाकार था, मतलब निफ्टी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट, सेंसेक्स 800 पॉइंट नीचे गिरा, बिल्कुल हाहाकार मचा था आज की डेट में। लेकिन ये अशोक लेलैंड का शेयर गेन पे क्यों है भाई, जरा देखते हैं क्या क्या हुआ ऐसा जो अशोक लेलैंड का शेयर पॉजिटिव है और सारी मार्केट नीचे गिरी हुई है। तो इन सारी चीजों को देखते हैं, अशोक लेलैंड के टेक्निकल फंडामेंटल को भी देखते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट ही नहीं ओपन किया या फिर ज्यादा ब्रोकरेज चार्जेस से परेशान हो तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए उनको फॉलो कीजिए, क्लिक कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट जल्दी से ओपन कीजिए और सस्ती ब्रोकरेज का फायदा उठाइए। सीधे लेके जाता हूं आपको स्टॉक की तरफ, यानी कि अशोक लेलैंड की तरफ। जरा देखिए अशोक लेलैंड के शेयर को, बहुत ही जबरदस्त, ये मान के चलिए 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक बहुत बढ़िया है नो डाउट, लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो गिरावट इसने देखी है वो बहुत ही बड़ी गिरावट का सामना इसने किया है। देखिए शेयर को, मार्केट कैपिटलाइजेशन 24-25 हज़ार करोड़ का है, करंट प्राइस 85 के आसपास है और बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 30 रुपये के आसपास है। स्टॉक हर 23 रुपीज पे 1 रुपये कमा के आपको देता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, इक्विटी रिटर्न अच्छा है, डिविडेंड अच्छा देता है, सेल्स ग्रोथ 16% की है, अर्निंग पर शेयर 3-3.5 रुपये के आसपास है। कंपनी के ऊपर डेट बढ़ चुका है भाई, देखिए उधार 19,000 करोड़ का हो चुका है, ध्यान देने वाली बात है। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 51% के आसपास है। और उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं डिटेल, देखिए यहाँ पे 9% शेयर्स जो है वो गिरवी रखे हुए हैं, इसको ध्यान देना। और प्रॉफिट जो है वो 30% के आसपास दिखा रहा है पिछले 3 साल का एवरेज। ये तो थी फंडामेंटल, लेकिन हमको फंडामेंटली नहीं, हमको अभी के टाइम पे देखना है कि क्या कुछ चल रहा है। आज की डेट यानी कि आपका 24 फरवरी 2020, जरा देखिए स्टॉक को, मार्केट गिर रही थी लेकिन ये पॉजिटिव था और आज की डेट में 86 रुपीज के आसपास का इसने हाई भी बनाया, जो कि बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव बात है। ओवरऑल देखूं मैं तो 24% की डिलीवरी देखने को मिली, ऐसा क्या हो गया भाई जो इसने हाई बनाया है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए आने वाले टाइम पे हो सकते हैं, वो सारी चीजें जानते हैं। फिलहाल मैं जो देखूं आज की डेट में जो हुआ है वो देखिए, अशोक लेलैंड में गेन सेल्स इन हाफ ईयर वन नेक्स्ट फिस्कल ईयर के पहले हाफ में, ये इसमें जो अगला फिस्कल ईयर अभी आएगा अप्रैल के बाद, तो यहाँ पे माना जा रहा है कि उसको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और उसका जो सेल वॉल्यूम है वो जंप हो सकता है, एनालिस्ट का ऐसा मानना है। और ऐसी पॉजिटिविटी के साथ जब मानना होगा तो शेयर में तो जंप आएगा ही, एक पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये BS6 के जो इंजन से इसके आने वाले हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए और अशोक लेलैंड आगे देखिए, यहाँ पे अशोक लेलैंड ने अभी फर्स्ट बैच अपना मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पे जो ट्रक्स का है विद BS6 इंजन है वो डिलीवर किया है। तो ऐसी पॉजिटिविटी जब देखने को मिलेगी, जो अच्छी न्यूज आएगी, तो स्टॉक में जंप आएगा। लेकिन आपको ऐसी पॉजिटिविटी के साथ साथ कुछ और चीजें भी देखनी है, यानी कि टेक्निकल फ्रंट पे भी देखना है शेयर को, और उस टेक्निकल फ्रंट पे मैं आपको लेके जा रहा हूं। जरा देखें ये मंथली चार्ट है, अशोक लेलैंड नो डाउट बहुत ही बढ़िया शेयर मैं कहूंगा है, रह चुका है, लेकिन अभी के टाइम फ्रेम में जो चल रहा है जरा समझने की कोशिश कीजिए। 2008 में बिल्कुल नीचे लेवल पे, यानी कि 6-7 लेवल के आसपास ये शेयर आ चुका था, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आई और स्टॉक को सीधे 38-40 रुपए के आसपास लेके गई, फिर एक जितनी तेजी से ऊपर गया था और करेक्शन आया, फिर देखिए करेक्शन आया, स्टॉक वापस 11-12 रुपए के लेवल पे आया था। फिर 2014 के बाद जो जंप आया, देखिए 11-12 रुपए का शेयर सीधे 170 के पास जाता है, और बीच में हल्के फुल्के झटके इसको जरूर लगते हैं, देखिए हल्के फुल्के झटके मैं कहूंगा, लेकिन बड़ा झटका अब लगा है जब ये 170 से गिर के सीधे 60, मैं 60 भी नहीं मैं कहूंगा कि 55-56 के लेवल पे ही आ गया था, वहां से पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन क्या कुछ चल रहा है आने वाले टाइम पे शेयर में वो देखते हैं अब वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टेक्निकल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टॉक में बड़ी गिरावट आई थी और गिरावट को अगर आप देखोगे तो लो हाई करता हुआ शेयर काफी नीचे गिर चुका था। अगर स्टॉक में मैं यहाँ पे देखूं, आपको ड्रॉ करने के बाद बताऊं, देखिए जंप लिया, करेक्शन आया, ये वीकली चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते थे कि ये जैसी आप कहोगे इसको हेड एंड शोल्डर पोजीशन, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, हमारा लोअर हाई लोअर लो बनते ही स्टॉक में गिरावट लगातार आती रही, शेयर काफी नीचे 78 रुपीज के लेवल पे गया, फिर थोड़ा सा हल्का सा इस डाउन साइड में आप इस इंपल्स के बाद ये करेक्टिव फेज इसको कहोगे और शेयर फिर नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद शेयर में पॉजिटिविटी आती है और आप ये शेयर देखिए 54-55 रुपए के लेवल से यहाँ 90 रुपए के आसपास आ चुका है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी अभी शेयर की आ गई है, क्यों, क्योंकि ये स्टॉक का जो पिछला
जो करेक्टिव मूव था उसका हाई जंप था वो 98, उसका हाई जो था वो 98 का था। इसलिए मैं कहूंगा एज अ रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को अपने इस हाई को पार करना काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 98 के लेवल को पार करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक के लिए। देखिए जरा 98 का लेवल। अब उसके अलावा अगर इस शेयर को देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है, और वीकली पे तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से आपको धीरे धीरे करके जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन वीकली पे पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है, तो हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए वीकली की रिसेंट पिक्चर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है। जरा देखिए स्टॉक को, बॉटम बनने के बाद स्टॉक में जंप आता है, लेकिन इस पर्टिकुलर रेंज, मैं कहूंगा एक रेंज सी आती है। अब ये लो था, लो से जंप आने के बाद हल्का सा करेक्ट हुआ, फिर हाई बनाया, हल्का सा करेक्ट हुआ, फिर हाई बनाया, करेक्ट हुआ, जंप करेक्ट जंप। लेकिन अभी ये स्टॉक ऊपर जाने से पहले एक रेंज में फिर से ट्रेड करने लग गया, और इस रेंज का ब्रेकआउट जो इसका 88 का लेवल है वो पार होना इंपॉर्टेंट है। वीकली पे आप क्लियर कट देख पा रहे हो कि रेंज का जो अपर लेवल 88-89 का लेवल है वो पार करना इंपॉर्टेंट। अगर ये लेवल पार होता है तो फिर हमारे पास 98 की जो बाउंड्री है वो हमारे पास है। और 200 वीक्स का अगर मैं सिंपल मूविंग एवरेज देखूँ, इसका वीक्स का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ऑलमोस्ट 100 रुपये के लेवल पे है, वो पार करना अगला लक्ष्य इसका है। फिलहाल मैं लेके चलता हूँ आपको डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक के बारे में बताने के लिए। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं पिक्चर कैसी दिख रही है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए, जब वहां पे बेस में कह रहा था आपको, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चीज आपको वीकली पे नहीं दिख रही थी वो डेली पे क्लियर कट दिख रही कि हायर लो बनता है, फिर हायर हाई बनता है, फिर से हायर लो बनता है, फिर देखिए हायर हाई हायर लो की सीरीज बनते हुए शेयर काफी ऊपर ऑलमोस्ट 88 के आसपास तक हाई बना चुका है। देखिए धीरे धीरे करके, जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, और स्टॉक में गोल्डन क्रॉसओवर ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन यहाँ पे जो हमें समझने वाली बात है कि हायर हाई हायर लो बनने के साथ साथ इस स्टॉक ने, मैं कहूंगा एक पर्टिकुलर 75 से लेके 80 की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, एंड वी नीड फॉर दिस शेयर टू बी इन गुड ट्रेंड, मैं कहूंगा गुड स्ट्रेंथ। तो ये जो 88 का लेवल है, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये लेवल पार होने के बाद आप टारगेट ज्यादा मत रखें, आप टारगेट बस 98 तक का रखें। जब 98 का लेवल का पार होगा, क्योंकि वो 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज भी है, और स्टॉक में वहां पे इसको स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी मिल सकता है, क्योंकि पुराना जो वीकली पे हमने देखा था एक करेक्टिव मोशन, उसका वो पीक पॉइंट है, तो एक करेक्शन वहां पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मैं जो देख पा रहा हूँ डेली पे, वो अच्छी बात यह है कि स्टॉक इज ऑलरेडी अबव 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, दैट इज दिस ब्लू लाइन, और स्टॉक इज शोइंग द स्ट्रेंथ बाय दिस सिंपल हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन, जो कि अच्छी बात है। फिलहाल स्टॉक ने 76 का, अगर इसमें आप एंट्री लेना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिविटी देखिए 76 का लो है। उसके अलावा रिसेंटली आप देखिए ये बॉटम देखिए यहाँ पे 80 के आसपास बनाया है, कुछ धीरे धीरे रेंज भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जो लास्ट यहाँ पे हाई था ये भी पार हुआ है, तो एक पॉजिटिविटी जरूर है स्टॉक में। और इस लेवल को पार करने के लिए, एकदम पार नहीं, इसके आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन हो तो और बढ़िया है। और जहां तक कि मैं देख पा रहा हूँ पॉजिटिव न्यूज आ रही है, स्टॉक में टेक्निकल भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। जरा देखते हैं आवरली चार्ट पे हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। आवरली चार्ट देखना भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों? क्योंकि ये और छोटे टाइम फ्रेम पे हमको चीजें बताता है। आज की डेट की अगर मैं बात करूं, देखिए आज की डेट में स्टॉक सुबह सुबह 24 फरवरी को ऐसा जंप आया, सुबह सुबह मार्केट डाउन थी, लेकिन ओपन सब चीज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के साथ साथ देखिए 82 रुपीज का लो बनाने के बाद स्टॉक ने 86 रुपीज का हाई बनाया। उसके बाद लास्ट के तीन, मैं कहूंगा दो ढाई घंटे के आसपास ये स्टॉक ने थोड़ा सा करेक्टिव मोशन दिया, लेकिन उस करेक्टिव मोशन का जो आप देखिए 84 के आसपास, यानी कि प्रीवियस ये जो लेग है यहाँ पे, इसको सपोर्ट मिला है, जो कि काफी अच्छी बात है, काफी पॉजिटिव बात है। अब देखिए जो चीज आप आवरली पे, डेली पे आपको एक सिंगल कैंडल देखने को मिलती थी, और आवरली पे आप उस चीज को देख पा रहे हो कि कैसा आज की डेट में जो मार्केट का इसका स्ट्रक्चर रहा है वो कैसा रहा। सुबह से 2-3 घंटा जंप लेता है और लास्ट के 1-2 घंटे के अंदर ये करेक्ट होता है, लेकिन उतना करेक्ट नहीं होता जितना जंप था, हल्का सा करेक्शन जो है वो देखने को मिला। अब अशोक लेलैंड के शेयर में पॉजिटिव न्यूज जरूर आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं कहूंगा कि जो आपका क्रिटिकल लेवल है, यानी कि 88 का लेवल, दैट शुड बी क्रॉस फर्स्ट, और उसके बाद आपकी एंट्री अगर आप लेते हो तो आपके पास जो है वो आपको स्टॉप लॉसेस देखने की, कहाँ पे आपको लगाना है। क्या आप 88 पे एंट्री लेने के लिए 76 का स्टॉप लॉस लगाओगे, या 75 का स्टॉप लॉस लगाओगे, या जो लास्ट यहाँ पे बुलिश ज्वाइंट बनेगा उसका स्टॉप लॉस लगाओगे, वो आपकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अफोर्डेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप कहोगे अफोर्डेबिलिटी मतलब जितना लॉस आप अफोर्ड कर सकते हो उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर ढूंढिए, उस ज्वाइंट को ढूंढिए, और अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर
जाके अपना स्टॉप लॉस ढूंढिए, यानी कि आवरली पे जाके, जैसे कि ये कैंडल बनेगी, अगर ये बुलिश ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिले तो आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे 84 के लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। चलिए अपडेट थी अशोक लेलैंड से रिलेटेड, कुछ पॉजिटिव न्यूज है तो टेक्निकल फ्रंट पे भी हमने देखा शेयर को, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, और साथ में जो वायरस का खतरा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, यूएस मार्केट भी बिल्कुल टंबल हो रही है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है, और कुछ टाइम बाद कुछ टाइम तक मैं कहूँगा सेलिंग से पैसा कमाए तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।